हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में संयोजकता बंध सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स को समझेंगे, साथ ही साथ इस सिद्धांत की जो सीमाएं हैं, जो लिमिटेशन है, उसको भी डिस्कस करेंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, इसको समझने से पहले संयोजकता क्या है, वैलेंसी क्या होती है, इस टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है, आप वीडियो देख सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो संयोजकता वैलेंसी क्या होती है, तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी तत्व के जो एटम होते हैं उनके जो एक दूसरे से जुड़ने की जो क्षमता होती है उसको ही संयोजकता कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं, क्योंकि जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही जो है बंध बनाने में, बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। इस प्रकार से दो बेसिक डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ये होती है संयोजकता। तो संयोजकता तीन प्रकार के होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी एंड कोऑर्डिनेट वैलेंसी। मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया है, आप वीडियो देख सकते हैं। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम कोवैलेंसी सहसंयोजकता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना है। अब दो हाइड्रोजन एटम आपस में किस प्रकार जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपस में जुड़ने के लिए अपने जो एक एक इलेक्ट्रॉन है जो इनके आउटर मोस्ट सेल में है, एक एक इलेक्ट्रॉन वो आपस में साझा कर देते हैं और दोनों एक बॉन्ड बना के इस प्रकार जुड़ जाते हैं। तो इसी को ही जो है सहसंयोजकता कहा जाता है और इसी के बारे में स्टडी हम करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ठीक है, जिसे संयोजकता बंध सिद्धांत कहा जाता है, इसे बीबीटी भी कहेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका अब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। सो इसमें मेन वही है कि दो एटम आपस में किस प्रकार जुड़ रहे हैं उसके बारे में ही उसको समझाने के लिए ही इस सिद्धांत को दिया गया। तो इसे सबसे पहले सन 1927 में हिटलर और लंदन द्वारा प्रस्तावित किया गया, जिसमें सहसंयोजक बंध की प्रकृति को समझाया गया। इस धारणा को और अधिक विकसित कर पॉलिंग और स्लेटर ने सहसंयोजक बंध की दिशात्मक प्रवृत्ति को स्पष्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहले 1927 में इसे हिटलर और लंदन द्वारा प्रस्तावित किया गया, ठीक है, दो वैज्ञानिक थे जिसमें उन्होंने सहसंयोजक बंध जो है उसकी प्रकृति को समझाया, ठीक है। इस धारणा को और अधिक विकसित कर पॉलिंग और स्लेटर ने सहसंयोजक बंध की दिशात्मक प्रवृत्ति को स्पष्ट किया, ठीक है। तो सहसंयोजक बंध के बारे में मतलब कि जैसे दो हाइड्रोजन आइटम आपस में साझा करके जो है बॉन्ड बना रहे हैं, इसके बारे में हिटलर और लंदन ने बता दिया था पहले। बाद में पॉलिंग और स्लेटर ने यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपस में जो है उनका जो दिशा है, ठीक है, वे जो है विपरीत होना चाहिए, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो विपरीत होना चाहिए। ये सब कॉन्सेप्ट बाद में बताया गया दिशात्मक प्रवृत्ति के बारे में, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सिद्धांतों के इस प्रकार मिला जुला और संबंधित रूप को जो है संयोजकता बंध सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है, कहलाता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, ये दो एच एटम है, ठीक है, तो यहाँ पे 1s 1s एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, आपस में साझा करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन को और इस प्रकार के कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट दिए जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है, दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध का निर्माण उसके कक्षकों के अतिव्यापन से होता है, ठीक है। तो ये s कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे, ठीक है, इनके बीच ओवरलैपिंग होगा तभी जो है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये पहला पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों कक्षक आपस में ओवरलैप करेंगे जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में जुड़ जाएंगे। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड है, बंध बनाने वाले परमाणुओं के बाह्य कक्षा में विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं। किसी परमाणु द्वारा बनाए गए सहसंयोजक बंध की संख्या उसमें पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो बंध बनाने वाले परमाणु के बाह्य कक्षक में विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसको बाद में जो है पॉलिंग और स्लेटर ने बताया कि बंध बनाने वाले जो भी परमाणु हैं, जो भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें जो बाह्य कक्षक में जो है विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है ये विपरीत चक्रण में होना चाहिए, एक इस प्रकार होना चाहिए और दूसरा का इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, दोनों का चक्रण जो है वो विपरीत होना चाहिए, ठीक है। एंड उसमें पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। यहाँ पे एक पॉइंट क्या है कि परमाणु द्वारा बनाए गए सहसंयोजक बंध की संख्या, अब यहाँ पे देखिए एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ये जितने जितने भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे
उतना ही जो बॉन्ड बनेगा। जैसे मतलब कि इस एच एटम में सिर्फ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके आउटर सेल में सिर्फ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो उतना ही ये जो है बॉन्ड बनाएगा। अगर जैसे कि अगर दो तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते तो दो तीन बॉन्ड बनता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो उसमें हाइड्रोजन एटम में इसके आउटर सेल में सिर्फ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहां पे एक कोवलेंट बॉन्ड बना है, उसी को यहां पे बताया गया है सेकंड पोस्टुलेट में। थर्ड है, अतिव्यापन के बाद अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों परमाणुओं के बीच रहता है। यह इलेक्ट्रॉन घनत्व ही दोनों नाभिकों के आकर्षण द्वारा बांधे रखता है। सिंपल सा, ये जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व है यहीं पे होगा, ठीक है, जिससे ये दोनों जो है आपस में, दोनों नाभिक जो है, दोनों न्यूक्लियस जो है आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। फोर्थ है, सहसंयोजक बंध की शक्ति अतिव्यापन में भाग लेने वाले दोनों परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन के समानुपाती होती है, ठीक है। अब ये सहसंयोजक बंध जो कोवलेंट बॉन्ड की जो शक्ति है, ये जो है ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले दोनों जो SS कक्षक हैं उनके समानुपाती होगा, ठीक है। तो ये फोर्थ पोस्टुलेट है। फिफ्थ नंबर का हमारा है, एस कक्षक चारों दिशाओं में बंध बना सकता है, किंतु PDF कक्षक केवल उन्हीं दिशाओं में बंध बनाते हैं जिन अक्षों पर वे पहले से स्थित हैं, ठीक है। सिंपल सा है, एस कक्षक जो है ये राउंड शेप में होता है, तो एक चारों दिशाओं में जो है ये बंध बना सकता है। पी कक्षक डंबल शेप में होते हैं, तो ये जो है केवल उन्हीं दिशाओं में बंध बनाते हैं जिन अक्षों में वे पहले से स्थित होते हैं, ठीक है। जैसे अगर पी इस अक्ष में है तो इस प्रकार से ही बनाएगा, अगर इस प्रकार से पार्श्व स्थित है तो पार्श्व ओवरलैप करेगा, तो ये पॉइंट है। समाक्ष को ऑक्सियल अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है, एंड पार्श्वीय अतिव्यापन से पाई बॉन्ड बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस प्रकार से अगर अतिव्यापन होता है, ठीक है, कोएक्सियल प्रकार का, तो यहाँ पे जो है सिग्मा बॉन्ड बनता है, और पार्श्व इस प्रकार से साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये हो गया 6 इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट संयोजकता बंध सिद्धांत से रिलेटेड। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि दो एटम आपस में किस प्रकार जुड़ते हैं उसी को समझाने के लिए सहसंयोजकता बंध सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया गया था, ठीक है। अब इसकी कुछ सीमाएं थी, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस थे, तो उसको हम भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, उपसहसंयोजक बंध बनना इस सिद्धांत में निहित नहीं है, क्योंकि उपसहसंयोजक बंध बनना इस सिद्धांत में निहित नहीं है क्योंकि इस बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉन युग्मन जो किसी एक परमाणु द्वारा ही दिया जाना चाहिए आवश्यक है, ठीक है। तो उपसहसंयोजक बंध मतलब ये क्या है, ये इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट किया जाता है एक एटम के, एक एटम को दूसरे एटम के द्वारा, ठीक है। तो उपसहसंयोजक बंध किस प्रकार बनेगा ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। सेकंड है, सहसंयोजक बंध के आयनिक गुण को संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता, ठीक है, इसके जो आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक प्रॉपर्टीज है, उसको भी नहीं समझाया जा सकता इस सिद्धांत के द्वारा। थर्ड है, संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार अणु निर्माण के बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहने की कोई संभावना नहीं होती है क्योंकि विपरीत चक्रण युक्त इलेक्ट्रॉन का युग्मन ही बंध निर्माण की अनिवार्यता है। इसके बाद भी O2 अणु अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है तथा उसमें O2 उसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस सिद्धांत से स्पष्ट नहीं है, ठीक है। अब O2 मॉलिक्यूल जो है अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, उसमें जो है 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा प्रूफ नहीं होता है क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बंध बनाने के लिए उनका चक्रण विपरीत होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि वे अणुनिर्माण अयुग्मित होना चाहिए, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित मतलब अयुग्मित, देखिए कोई भी दो एटम जो है ये विपरीत चक्रण होना चाहिए, मतलब उसके आउटर साइड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहने की कोई संभावना नहीं है इस सिद्धांत के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लेकिन O2 मॉलिक्यूल O2 जो है ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाते हैं, ठीक है, बंध बनने के बाद भी, तो यही जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है। फोर्थ लिमिटेशन है, इस सिद्धांत के द्वारा H2+ जैसे आयनों के बनने की को नहीं समझाया जा सकता, ठीक है, जो आयन वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनको उनके बीच किस प्रकार बॉन्ड बनेगा ये सब नहीं बताया जा सकता। एंड फिफ्थ लिमिटेशन है, इस सिद्धांत यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक धातुओं तथा अधात्विक यौगिकों के बंधन को स्पष्ट करने में असमर्थ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, ठीक है, जो कंपाउंड या धातु या जो अधात्विक यौगिक हैं उनके बीच किस प्रकार बॉन्ड बन रहा है उसको भी नहीं समझा सकता। तो ये जो है कुछ लिमिटेशंस हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है थ्योरी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको BSc फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में मिलेगा, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं।
एंड आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इसी प्रकार के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लिंक मिलेगा जहां आप बीएससी एंड एमएससी लेवल के सभी हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज यूनिट वाइज आपको नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, वहां भी आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। सो इफ यू फाइंड हेल्पफुल, सो आगे की वीडियोज देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।